तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानते हैं सिलेक्ट के बारे में। ठीक है, जैसे सिलेक्ट पहला ऑप्शन जो इसके अंदर है ऑल, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए है। अगर आपको पूरी फाइल एक ही बार में सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करोगे, कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो पूरा सिलेक्शन अपनी फाइल को आ जाएगा। आप देख सकते हो पूरे चारों ओर जो है वो मर्क्यू टाइप का सिलेक्शन आ चुका है। मीन्स हमारी पूरी फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। पहला ऑप्शन ये है सिलेक्ट ऑल। सेकंड जो ऑप्शन है कंट्रोल डी। अगर हमको ये सिलेक्शन निकालना हो तो हम कंट्रोल डी क्लिक प्रेस करके या फिर सिलेक्ट में जाके डिसलेक्ट करेंगे तो पूरा सिलेक्शन निकल जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है रीसिलेक्ट, ठीक है, उसको वापस हमको सिलेक्ट करना है तो हम रीसिलेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट निकालने के बाद में हमको वापस सिलेक्शन लेना है, आप कंट्रोल अल्ट जेड या फिर कंट्रोल जेड करके भी वो सेम चीज़ कर सकते हो। अगर सिलेक्शन लिया है तो कंट्रोल अल्ट जेड करके भी आप सिलेक्शन जाने के बाद वापस उसको आ जाएगा, और हम अगर स्टेप बैकवर्ड होते हैं तब। तो ये सिलेक्ट का इस तरह से सिलेक्ट डिसलेक्ट ये सब है। फिर है सिलेक्ट इनवर्स। अभी इनवर्स का मीनिंग क्या है, अभी हम क्या करेंगे, मैं लासो टूल से इस तरह से इस फ्लावर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि सिलेक्शन के अंदर मेरा ये फ्लावर है। फ्लावर को मूव करके देख लेते हैं कि भाई हमारा सही में सिलेक्शन में ये फ्लावर ही है। पर अगर हम इसको सिलेक्ट में जाके इन्वर्स करते हैं तो क्या होगा, सिलेक्शन अभी हमारा फ्लावर को नहीं है, फ्लावर के बाहर जो भी एरिया है उसको हमारा सिलेक्शन आ चुका है एक्चुअली। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अगर मूव करता हूँ तो बाहर का पूरा एरिया मूव हो रहा है, लेकिन ये फ्लावर जहाँ था ये वही रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन फ्लावर के बाहर वाले एरिया में है। तो इसकी तो इन्वर्स का यही यूज़ है। अगर आपने कहीं पे सिलेक्शन लिया है, आपको सिलेक्शन फ्लावर में या फिर कोई ऑब्जेक्ट को अगर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर बाहर वाले एरिया में चाहिए कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाहर रहे और सिलेक्शन मेरा बाहर पूरी फाइल में हो, तो आप उस कंडीशन में इन्वर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, सिलेक्ट में ऑल लेयर्स। तो कंट्रोल अल्टर ए, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों तीन सारे के सारे लेयर्स जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो सारे लेयर्स अगर आपको एक ही बार में सिलेक्ट करने हो तो आप अल्टर कंट्रोल ए के मदद से सारे के सारे लेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है वो डिसलेक्ट लेयर्स, अगर उनको निकालना है सिलेक्शन से तो इस तरह से आप सिलेक्शन से उनको निकाल भी सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है उसके अंदर वो आता है कलर रेंज। अभी कलर रेंज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है। कलर रेंज की हेल्प से आप जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सिंपली वहीं पे कलर का सिलेक्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं भी ब्लैक कलर में अगर क्लिक करूँ और यहाँ से मैं उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ तो मैं इतने रखता हूँ फ़िलहाल, और इसको ओके कर देते हैं हम, तो आप देख सकते हो कि पूरा ब्लैक कलर जहाँ जावे वो पूरा सिलेक्शन के अंदर आ चुका है। उसी तरह से मैं अगर चाहूँ कि सिर्फ रेड कलर में सिलेक्शन आ जाए तो मैं सिलेक्ट में जाऊँगा, यहाँ से जाने के बाद हमको सिंपली करना है कलर रेंज के ऊपर क्लिक, और जो भी डार्क रेड कलर है, तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ रेड कलर को सिलेक्शन आ जाए जो कि यहाँ पे डार्क या मीडियम कलर दिख रहा है हमको, देखिए यहाँ पे येलो का सिलेक्शन एकदम कम आया है, येलो फ्लावर का डार्क का ही दिखता है यहाँ पे वाइटनेस, फिर आप इसको जैसे ओके करोगे तो ये वहीं पे सिलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको पर्टिकुलर कलर को सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए ये जो कलर रेंज है इसका यूज़ होता है। उसके बाद है मॉडिफाई। अभी मॉडिफाई और रिफाइन ये जो है ये अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमको क्या है, पहले से कोई एक सिलेक्शन यहाँ पे रहना चाहिए, तभी वो दोनों ऑप्शंस काम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, मैंने मर्क्यू टूल से यहाँ पे एक छोटा सा सिलेक्शन ले लिया है, फिर हम सिलेक्ट में जाते हैं और उसको रिफाइन एज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, रिफाइन एज के अंदर ये सब ऑप्शंस आप देख सकते हो, जैसे स्मूथ है, फेदर है, कॉन्ट्रास्ट है, तो आप इसको आपको आपके अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो भी सिलेक्शन होगा वो शेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर हम इसको ओके कर देते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो मेरा सिलेक्शन था अभी एकदम शार्प कॉर्नर वाला नहीं है, इसके कॉर्नर थोड़े गायब से हो गए, मीन्स कि ये जो भी सिलेक्शन मैंने यहाँ पे लिया है वो एक फेदर सिलेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है,
एक शेडिंग वाले सिलेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं फिर, इसको अगर हम कंट्रोल प्रेस करके उठाएंगे तो आप देखोगे कि इस तरह से शेडिंग वाला एरिया कट होके वहाँ से कट चुका है। या फिर आप इसको कॉपी करके अगर पेस्ट करोगे तो देखिए ये इस तरह से न्यू लेयर में एक शेडिंग वाली चीज़ यहाँ बन के बाहर आई है। अगर मैं ये सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं करता, फेदर सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं करता, रिफाइन एज नहीं करता, तो आप देख सकते हो ये एक सिंपल सिलेक्शन है जो एक नॉर्मल कट करके जो हम काम करते हैं उस तरह से काम करता है। तो सिलेक्शन को आपको अगर फेदर में कन्वर्ट करना है तो आपको रिफाइन एज का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मॉडिफाई, ठीक है। तो मॉडिफाई के अंदर देखिए बॉर्डर, स्मूथ, एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट और फिदर, ये सब इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो एक्सपांड का देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। बॉर्डर का भी देख लेते हैं, अगर आपको इसकी बॉर्डर बढ़ानी है तो यहाँ पे समझ लीजिए मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, ओके कर देंगे तो इस तरह से ये सिलेक्शन बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से हम सिलेक्ट में जाते हैं और मॉडिफाई में स्मूथ में अगर मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरह से ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हट जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो है सिलेक्ट में मॉडिफाई में एक्सपांड। अगर आपको ये सिलेक्शन कुछ 50 एक पिक्सल 10 पिक्सल एक्सपांड बाहर की तरफ बढ़ना चाहिए, बाहर की तरफ ग्रो होना चाहिए, इस तरह से अगर आपको करना है तो आप एक्सपांड सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब ओके करोगे तो देखिए मेरा सिलेक्शन एक्सपांड हो चुका है, पहले ऐसा था, बाद में ये एक्सपांड करने के बाद में सिलेक्ट में मॉडिफाई में एक्सपांड आप करोगे तो ये इस तरह से एक्सपांड हो गया है। पहले ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से था। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सिलेक्ट में मॉडिफाई में कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब यही सिलेक्शन अंदर की तरफ मूव होगा, थोड़ा अंदर सिकुड़ जाएगा। जैसे कि मैं इसको अगर 10 पिक्सल कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे पहले सिलेक्शन था हमारा 10 पिक्सल ही अंदर आ चुका है। पहले ये सिलेक्शन देखिए इस तरह से था, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मॉडिफाई में फेदर। जैसे कि फेदर वाला ऑप्शन आपने वहाँ पर भी देखा था रिफाइन एज में, ये उसी की तरह का दूसरा ऑप्शन है, पर इसमें सिर्फ फेदर ही आएगा, उसमें कॉन्ट्रास्ट और ये अलग अलग चीज़ें थी, इसमें सिर्फ सिंगल फेदर का सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 50 पिक्सल का अगर इसको फेदर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एक राउंड जैसा बन चुका है इसका, मीन्स ये फेदर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आप इसको उठा के रखोगे तो आप देख सकते हो पूरा एकदम शेड जैसा, एक ब्रश जैसा बन चुका है हल्का हल्का। तो ये इस तरह से आप फेदर यहाँ से भी दे सकते हैं। सिलेक्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ठीक है। तो पहले हम इसको नॉर्मल शेप में ले लेते हैं, फिर हम सिलेक्ट में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा, आप सिर्फ सिलेक्शन को बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। पहले अगर आप ट्रांसफॉर्म अगर सिलेक्शन नहीं करते हो तो ये पूरी इमेज को बड़ा छोटा कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको डायरेक्टली सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा जो इमेज है वो उसने सिलेक्ट कर लिया है और पूरी इमेज को बड़ा छोटा कर रहा है। लेकिन अगर हम सिलेक्ट में जाके सिर्फ ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को आप क्लिक करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन को बड़ा या छोटा या मूव कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट में नेक्स्ट टूल की तरफ आगे बढ़ते हैं, एडिट इन क्विक मास्क मोड। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे उस ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हो कि चैनल के अंदर है ना एक क्विक मास्क का एक चैनल बन जाता है। इसका यूज़ इसके लिए होता है कि आप इससे आप सिलेक्शन को सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर मैं कोई इस फाइल में सिलेक्शन लूँगा और उसको मैं सेव करूँगा तो ये सिलेक्शन सेव नहीं हो पाएगा, ये सिलेक्शन गायब हो जाएगा। बट अगर आप चाहो तो इसकी शॉर्टकट की क्यू है, आप क्यू प्रेस करके क्विक मास्क का यहाँ पे एक नया चैनल आ जाएगा, और चाहो तो आप सिलेक्ट में जाके भी ये जो एडिट क्विक मास्क इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का रेड रेड कलर का एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, और इस तरह का सिलेक्शन आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा चैनल में। तो अगर आप इसको सेव करके रखते हो और फाइल जब भी आप ओपन करोगे इसी तरह से ओपन हो जाएगी, और वापस क्यू दबा के उस सिलेक्शन को एक्सेस कर सकते हो, इस सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए इसका यूज़ होता है। सिलेक्ट में नेक्स्ट
चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है सेव सिलेक्शन। देखिए सेम वैसा ही ये भी चीज़ है, एक सेव सिलेक्शन के लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। न्यू चैनल करके आप इसको ओके कर दोगे तो अपने आप से यहाँ पे एक अल्फा वन करके आ गया है। अब जब भी इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वही क्विक मार्क जैसा दिखाएगा और ये सिलेक्शन भी आपका सेव रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो लोड सिलेक्शन भी वैसा ही है। अगर आपको किसी फाइल में का सेव किया हुआ सिलेक्शन अगर लोड करना है तो आप यहाँ से लोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सिलेक्ट मेनू भी कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ़िल्टर।